इस नौ मौलूद का नाम अब्बास रखा गया। जैसे ही जैनब कुबरा के कानों में नाम अब्बास का पहुंचा, आगे बढ़कर लपक कर अपनी गोद में इस भाई को ले लिया और बस अपना मुंह अब्बास के कानों पर रखकर कुछ कहती जाती थी। तशरीफ लाए बाबा, कहा जैनब अब्बास तुम्हारे पास ही रहेगा, तुमने ही अब्बास की तरबियत करना है बेटा, ये क्या बात कर रही हो अपने भाई से। कहा बाबा ये बहन अपने भाई से बात नहीं कर रही बल्कि माँ फातिमा जहरा की वसीयत पूरा कर रही है। क्या वसीयत है बेटा? कहा जैनब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा 15 साल के बाद, बीबी शहजादी सैयद आलमियां की शहादत के 15 साल बाद ये मौका आया, खुशी का मौका। इस घर में अब्बास की विलादत हुई, शहजादी बता गई थी शहादत से पहले वसीयत की थी, बेटा जैनब तेरा एक भाई अब्बास नाम का इस दुनिया में आएगा, जब आ जाए उसे मुझ फातिमा का सलाम अरे जिसे फातिमा सलाम अर्ज करे वो अब्बास, उम्मुल बनी का लाल अब्बास। ये समझ लीजिए फातिमा के लिए अब्बास फातिमा का बेटा, उम्मुल बनी के लिए हुसैन बेटा। यही वजह थी मदीने मुनव्वरा में जब हुसैन की शहादत की खबर मिली थी तो उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में कब्रे जहरा पर गिरकर पुरसा पेश करती थी, कहती थी अपने बेटे अब्बास का पुरसा कबूल कर लो। सही उम्मुल बनी वो बीबी है, चार बेटे, चारों बेटे कुर्बान किए सैयदुल शुहदा पे करबला के मैदान, चारों बेटे। अब्बास के 3 फर्जंदान, उनमें से 1 फर्जंद मदीना में था, 2 फर्जंद करबला में थे, वो दोनों शहीद हुए। उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा की बेटी है कि जो जौजा है मुस्लिम इब्ने अकील की, मुस्लिम इब्ने अकील उम्मुल बनीन के दामाद, दामाद भी शहीद। और बीबी की बेटी जैनब कुबरा के साथ साथ करबला की मुसीबतों को भी सहा, अरे बाजार कूफा और शाम की सख्तियों को भी सहा, कदम कदम पर बीबी उम्मुल बनी की कमाई करबला में लुटती जा रही थी। अब्बास ने अपने पहले बेटे को इज़्ने वगा दिलाया आका हुसैन से, आका हुसैन ने इजाजत दी, बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी। जैसे ही अब्बास का एक बेटा कुर्बान हो गया, दूसरे बेटे को लेकर आ रहे थे, आका हुसैन ने देखा, कहा अब्बास क्यों लेकर आ रहे हो, इजाजत तलब करना चाहते हो, मैं कब तक देखता रहूं उम्मुल बनी की कमाई लुटती रह। आजीजो जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचे, अक्सर मरवान ये देखा करता था कि एक बीबी है कि जो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में बैठी है और जमीन पर कोई खत खींचा हुआ है और उस खत खींचे हुए खत से बातें करती जाती है। क्या कहती जाती है? कहती जाती है अब्बास अब्बास मुझे ये खबर मिली कि तेरे बाजू कलम कर दिए गए। अरे अब्बास मुझे यकीन ना आया, अरे जिसका गयूर, जिसका इतना शुजा बेटा अब्बास हो, अरे उस शुजा अब्बास के बाजुओं को कौन कलम कर सकता है। मुझे ये खबर मिली कि तुझे सर पर गुर्ज मारा गया अब्बास, तेरी माँ को यकीन ना आया अब्बास, खबर मिली कि तेरे आंख में तीर बस हुआ अब्बास, माँ को तेरी यकीन ना आया अब्बास, तेरी शहादत की खबर सुनी मगर मुझे यकीन ना आया। अरे उम्मुल बनीन ने जिस अब्बास को पाल कर हुसैन के साथ किया था, उस अब्बास पर कोई तलवार उठाने का सोच भी कैसे सकता है, मगर बेटा अब्बास जब ये खबर मिली हुसैन का गला काटा गया, मुझे यकीन आ गया अब्बास न होगा, तभी हुसैन पर खंजर चला। मुझे खबर मिली नन्ना 6 महीने का असगर मारा गया, मुझे यकीन आ गया अब्बास तू न रहा होगा,
कोबरा की चादर छिड़ी गई, मुझे यकीन आ गया पास तू न रहोगा। तभी किसी हृदय كاشف الكرب عن وجه العسى يا كاشف الكرب عن وجه العسى اكشف كربي بحق أخيك الحسين.